हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग, और यार आज मॉर्निंग में ही यार हमारी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। ग्रुप ब्लैकी को तूने छोड़ा गया यार, कहाँ गई यार, ये अब भी आते ना यार। यार बारिश में ना घूम यार, चल चल अंदर जा, अंदर अंदर जा, अंदर ही नहीं आएगी ये। स्नो यार स्नो अच्छा है, स्नो बारिश में नहीं घूमता। ब्लैकी को वो बड़ा पसंद है ब्लैकी। पर आज ना दोस्तों हम हमारे बर्ड्स के केज के अंदर जाने वाले, और हमारे जो बजेस ने एक दिए थे ना वो चेक करने वाले है, चूहे या नहीं हुए। तब चल रुक, तू जाता है, मैं जो तू जा भाई। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आते ही सबसे पहले देखा यार ये वाला प्लांट सारा का सारा खा गया यार ध्रुव, हमारे बजेस। मुझे पता था यार ये खा ही जाएंगे। ये देखो अभी भी खाने का निशान है, देखो ये ऐसे खाते। यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है यार, शिट, बजिस का अंडा है शायद से। हाँ खराब हो गया वो। तो चलो यार हम सारी मछलियाँ चेक कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे है वो, यहाँ पे भी कुछ नहीं यार। यहाँ पे तो अंडे थे ना यार पिछली बार हमने देखे थे तो नहीं बात। हाँ यहाँ पे तो अंडे यार अभी तक, ये देख 3-3-6 अंडे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे है 4 अंडे। ओके और यहाँ पे हमारी बजीज है और 4 अंडे, और कॉकटेल की चीज में कॉकटेल का भी चेक कर देता हूँ ना यार, यहाँ पे कुछ होगा तो। नहीं यार ये भी खाली है पूरा। ना दोस्तों हमने पिछली बार जो इनका अपडेट चेक करा था तो उसको कंप्लीट यार कितने दूर दिन हुए, 2 हफ्ते मेरे ख्याल से हो गए थे। हाँ यार 2 हफ्ते तो कंप्लीट होने चाहिए यार। ये वाला हमारा एक पेयर है, ये यही पे बैठता है शायद से, इन्होंने भी यहाँ पे अंडे दे दिए होंगे। ये यार दूर ये टूट गया यार, ये देख यार मैंने इसे हाथ लगाते ही टूट गया है। कुछ काम का नहीं ध्रुव, यहाँ पे अपन है ना थोड़ा कुछ अलग सा करेंगे यार, ठीक है ना। कुछ काम के नहीं आ रहे, देखें टूट गया, 2 ही मिनट में टूट गया। हमारे बजीज और कॉकटेल ने ना कैल्शियम ब्लॉक का पूरा फायदा उठाया है। ये देखो भाई ये इसका आकार कैसा था, ये कैसा था ध्रुव, पहले ऐसा इतना बड़ा था ना, अभी देखो गोल कर दिया भाई इन्होंने डायरेक्ट। ये देख ये भी ऐसा गोल गोल करना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों हमारे जो लकी पिजन का बेबी है वो भी देख सकते हो यार, कैसा बेटा है, कितना बड़ा हो गया ये, और है ना 3-4 दिन में बाहर आ जाएगा, उसके केज के बाहर आ जाएगा। और दोस्तों हमने हमारे बर्ड्स के लिए, मतलब हमारे नहीं यार, जो वाइल्ड बर्ड्स के लिए हमने फीडिंग बॉक्स लगवाए थे, तो ये देखो भाई ये हमने इतना भरा था तो ये अभी इतना खाली हो गया। और ये क्या करते हैं देखो, दाना दाना पूरा बाहर कर देते, और ये देखो भाई नीचे भी पूरा दाना दाना कर देते। इनके लिए भी हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। आपको पता होगा यार हमने 1 महीने पहले एक ड्रिप टूट लाया था हमारे सेटअप में, ठीक है, और वो हमारे टैंक में बिल्कुल भी मतलब डूब ही नहीं रहा था यार। तो हमने क्या किया था, सिंपल सा इसको मैंने डुबाने के लिए यहाँ पे रख दिया था, और आज ये हमारा ड्रिप टूट डूब गया भाई पानी में। तो दोस्तों मैंने आज सोचा है कि यार आज इसे हम मॉन्स्टर टैंक में ऐड करके देखते हैं, और ये जो डूब गया फिर हम इसे बहुत जल्द कहीं और टैंक में शिफ्ट कर देंगे। इसे फिलहाल तो मैं मॉन्स्टर टैंक में ऐड करने वाला था, बट मेरा प्लानिंग थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। और फाइनली ये वाला देखो यार, छोड़ देना ध्रुव, ये तू छोड़ दे मुझे देखना यार ये। हाँ देखो अभी परफेक्ट ये खड़ा रह रहा है पानी में, पहले क्या था ना इसे ऊपर आ जाता था, अब ये परफेक्ट सेट हो रहा है, मतलब हाँ इसके लिए बहुत जल्द एक टैंक बनाने वाले। मैं अभी आया फिश रूम में हमारे सारे फिशेज को फूड डालने के लिए, क्योंकि मैं रात को भी इनको एक बार फीड देता हूँ। और यहाँ पे देखा यार हमारे सारे क्यूट क्यूट पोलर पैरेट के बेबीज, ये देखो भाई सारे के सारे उनके नेस्टिंग से बाहर आए हैं। ये देखो कितने सारे भाई, इस बार बहुत ही ज्यादा बेबीज है यार। ये देखो भाई साहब अंदर भी यार बाकी के, मैं भी एक कैमरा जैसे पास में लेके गया ना डर गया, और बाकी अंदर और बाकी नीचे बैठ गए, देखो कितने सारे। तो दोस्तों मैंने पोलर पैरेट में एक अच्छे से ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे पोलर पैरेट बड़े बिग साइज के होते हैं ना वैसे उनके बेबीज का भी मतलब जो हैचिंग रेट है ना वो बढ़ता है भाई, ठीक है। पिछली बार हमारे बहुत कम बेबीज थे, मतलब 150 के आसपास बेबीज थे, इस बार यार बहुत ज़्यादा लग रहा है, 300+ बेबीज लग रहे हैं मुझे। ये देखो कितने सारे यार, मैं बहुत ज़्यादा भाई शौक हूँ। और हमारा जो फाइटर फिश है ना कल उसने, ये देखो भाई ये भी यहाँ आज नेस्टिंग बनाया, ये देखो भाई कितना बड़ा नेस्टिंग बनाया इसने कल, है ना इसने यार यहाँ पे बनाया था नेस्टिंग, और यहाँ पे देखो आज इसने यहाँ पे बनाया, और ये वाले भाई साहब ने यहाँ पे बनवाया है। कल इसका जो था ना ये इसका यहाँ पे था, और ये देखो भाई आज इसका यहाँ पे, ये देखो। तो दोस्तों बहुत जल्द हम हमारे सेटअप में फाइटर फिश की फीमेल लाने वाले, ठीक है। मैंने एक भाई को बोला है अभी, मतलब पेट शॉप वाले अंकल है, मैंने उनको बोला है कि भाई हमें फाइटर फिश की फीमेल चाहिए अर्जेंट, तो भाई बोले कि यार बहुत जल्द आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं भाई अभी भाई का कब कॉल आता है, कॉलिंग की वेट है यार। तो हमारे जो घास वाले अंकल है आज उनको यार देर हो गई, तो यार आज उन्होंने ना शाम को घास दी यार। चलो ठीक है अभी मैं हमारे स्नो और ब्लैकी को घास दे देता हूँ। स्नो ब्लैकी तुम्हारी घास आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार, ओए 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 ओए, खा लो हरी हरी घास खा लो।
दोस्तों आज हमें क्या करना था, आज हमें ये वाला पूरा मॉन्स्टर टैंक का जो वाटर है चेंज करना था, ये भी चेंज करना था, और हमारे ऑस्कर फिश का जो टैंक है उसके अंदर भी हमें थोड़ा सेटअप चेंज करना था, क्योंकि अरे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है तो हमारे ऑस्कर फिश यार इतने अच्छे नहीं दिखते। तो यार मैं आज करने वाला था बट अभी बाहर रात हो चुकी है, तो ठीक है यार मैं कल ही करूंगा। तो ठीक है दोस्तों कल मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग, और ये देखो भाई अभी चिड़िया यहाँ पे आई थी, ये देखो भाई अभी अभी फिर से भाग गई, यहाँ पे आती है चिड़िया और वो दाना खा रही है, मतलब ये हमारा सक्सेस यार। आपको एक सीक्रेट पता है दोस्तों, नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है यार। हमारे जो गोल्ड फिश का जो टैंक है ना, इसको कंप्लीट 4 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे सेट करते हुए, ठीक है। और हमारे जो गोल्ड फिश का टैंक है ना, आप देख सकते हो भाई इनका पानी बिल्कुल खराब नहीं हुआ भाई, देखो यार पूरा का पूरा पूरा वाटर भाई, देखो इसकी वाटर कंडीशन देख सकते हो, परफेक्ट है यार इनके लिए। और ये इतने ज़्यादा एक्टिव है ना यार, यहाँ पे इतनी अच्छी रहती है ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा किया कि है भाई, क्योंकि ना बहुत सारे भाइयों का है ना यार गोल्ड फिश का वाटर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैंने इसके लिए ना 4 फिट का ये टैंक लिया है 4x1 का, और यहाँ पे मैं सिंपल से ना स्पॉन्ज फिल्टर ऐड किया है हमने, और ये जो ना यहाँ पे नीचे ग्रेवल्स ऐड किए, ठीक है। और ग्रेवल्स में हमने सिंपल से ऐड किए भाई हमारे स्नेल, जो एप्पल स्नेल होती है ना, मैंने वो ऐड की थी। ये तो छोटे छोटे बेबी थे, अभी तो ये कितने बड़े हो गए यार, ये देखो इनकी साइज़ देख सकते हो, ये भी बड़े हो गए, ये भी हमारे होम ब्रीडेड एप्पल स्नेल्स है। 10 या 15 डेज में मैं इनका ना 50% वाटर इतना निकाल लेता हूँ और वो फेंक देता हूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया भी हो सकता है, इसी की वजह से मैं 50% वाटर निकाल लेता हूँ और फेंक देता हूँ, और यहाँ पे फ्रेश वाटर मैं ऐड कर देता हूँ भाई। बाकी मैंने टैंक अभी तक क्लीन नहीं किया, ठीक है। और दोस्तों मैं और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ यार, हमारे ऑस्कर फिश के टैंक को अभी कम्प्लीट 1 महीना कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। और 1 महीने में इनका जो टैंक का हालत है भी देख सकते हो, पूरा का पूरा पानी इन्होंने गंदा कर दिया भाई, इन्होंने बिल्कुल गंदा नहीं किया, ये पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं भाई, फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये जो है ना भाई, ये आगे जो देख रहे हैं ना भाई, ये देखो ये सारी की सारी ना अलगी है, ये देखो अभी आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो इनका पानी, इनका जो टैंक है ना यही से ब्लर हुआ, ये देखो ये पूरा अलगी है, ये पूरा का पूरा दोस्तों इसको अलगी आ चुका है, ठीक है। ये अलगी कैसे आया भाई, यहाँ पे हमारी विंडो है और विंडो से ना यार ये पूरी अलगी आ जा रही है, ठीक है। अलगी से तो कोई फिशेज को प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं अभी पूरा टैंक हम थोड़ा चेंज करने वाले इसका लुक, मतलब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मतलब हमारे ऑस्कर फिश यहाँ पे फ्रेशी व्रेशी लगे और अलगी भी ना आया, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं हमारे सिकलेट का टैंक भी हमने अभी चेंज किया यार, मतलब यार इनको सेटअप करते हुए कंप्लीट अब 3 से 4 दिन हुए यार, इनका पानी भी देख सकते हो पूरा का पूरा अलगी से भर चुका है, और ऊपर से देखो ऊपर से पूरा क्लीन है, ऊपर से कुछ नहीं है, देखो ऊपर से पूरा क्लीन है। तो ये भी यही वजह है कि भाई यहाँ से पूरी सनलाइट आती है, और सनलाइट आने की वजह से पूरा वाटर मतलब खराब नहीं होता पर अलगी आ जाती है यार यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ, हमारे पूरे ऑस्कर फिश के टैंक को अच्छे से मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो ना दोस्तों आप हमारे ऑस्कर फिश के टैंक की कंडीशन देख सकते हो, पूरा का पूरा खराब हो चुका है, ये देखो भाई अभी मैं इसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ, और हमारे सारे ऑस्कर फिश मैंने यहाँ पे निकाल लिए। फाइनली दोस्तों हमारे ऑस्कर फिश का टैंक सेटअप कंप्लीट हो गया, और इनका वाटर भी चेंज हो गया यार, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ग्रीन सा ये मैट ऐड किया है, सेम यहाँ पे भी सेम ऐड किया है, और इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट यार अभी क्या प्रॉब्लम है ना, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा पुराना वाटर यूज किया है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत वाटर ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी बैठ जाएगा, हमारा स्पॉन्ज फिल्टर का तो काम बहुत तेज होता है। तो ये देखो भाई, ये हमारे ऑस्कर फिश छोटे छोटे बेबीज थे यार, इतने अभी थोड़ी देखो इनकी साइज भी थोड़ी ग्रो हुई है, और इनका जो कलर है ये भी थोड़ा डार्क हुआ है, और ये पहले ना यार थोड़ा प्लैटिनम था, इनका थोड़ा अभी हल्का हो गया यार ये, मतलब इनका कलर भी अलग ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 एयर पंप यूज़ किए हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे स्पॉन्ज है, ये फिल्टर का काम करेगा, और ये हमारा पानी मुझे जो वाटर है ये अच्छे से फ्रेश रखेगा, क्योंकि ये हमारी फ्रेश वाटर फिश है, तो भाई इनको फ्रेश ही वाटर लगता है, ऊपर से देखो यार। तो दोस्तों हमारे जो गणपति बापा हैं वो इस वाली वॉल पे हम उनका डेकोरेशन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए कि ये जो आपकी पर्पल वॉल है और जो वॉलेट वॉल है भाई ये परफेक्ट है, तो ठीक है यार यही भी बिठाएंगे। हमने 2 ऑप्शन रखे थे, एक क्रीम वाली और ये हमारी वॉलेट वाली, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स देखे भाई यहाँ पे ही अच्छे रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।